मॉर्निंग बच्चों, निकाल लीजिए फोर्थ क्लास की हिंदी की बुक। लेसन सिक्स वाला आज स्टार्ट करना है। चतुर तेनालीराम। तेनालीराम के बारे में आप सब जानते हो, वह कितना चतुर था, किस प्रकार से अपने राजा को बताया करता था और किस प्रकार से राजा उसकी बात समझा करते थे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके शब्दार्थ लिखने हैं। शब्दार्थ लिखिए, इसमें पहला है निर्धन। निर्धन का अर्थ क्या होता है, गरीब। शब्दार्थ जैसे मैं लिखवाती हूँ वैसे वैसे आपको याद भी करना है, याद होनी चाहिए आपको। जब तक ये याद नहीं करोगे तब तक आपको ये लेसन अच्छे से समझ में नहीं आएगा। एक टक आंख झपकाए बिना, एक टक देखना, आंख झपकाए बिना, आंख झपकाए बिना, अगला है घनिष्ठ। घनिष्ठ का अर्थ होता है गहरा। अगला है वस्त्र। सब जानते हो वस्त्र के बारे में, तो क्या होता है, कपड़ा। वे का अर्थ होता है खर्च। अगला है अनमोल। अनमोल जिसका कोई मोल न हो, जिसकी कोई कीमत न हो, जिसकी कोई कीमत न हो या जिसका कोई मोल न हो। सदैव। सदैव यानी होता है हमेशा। अगला है ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु का है डाह रखने वाला या नफरत करने वाला। किसी चीज को देखकर एक दूसरे में ईर्ष्या भाव पैदा हो जाता है ना, तो उसे बोलते हैं ईर्ष्यालु। कि हर चीज को देखकर जलना, हर चीज को देखकर नफरत करना, गुस्सा करना, तो वह होता है ईर्ष्यालु। जैसे दो बच्चों में आपस में होता है, दो बच्चे जब आपस में झगड़ते हैं या माता पिता के पास दोनों बच्चे हैं, दोनों बच्चे में से एक बच्चे को अगर ड्रेस ला कर दे देते हैं, कपड़े ला कर दे देते हैं, तो दूसरा बच्चा उसको देखकर जलता है, उससे ईर्ष्या करता है और उससे गुस्सा करता है कि इसके लिए तो अच्छे से कपड़े लेकर आ रहे हो और मेरे लिए कुछ भी नहीं लेके आए। तो इसलिए बताया गया है, जब दो छोटे बच्चे होते हैं या कोई भी व्यक्ति होता है, जब दो व्यक्तियों के बीच में किसी बात को लेकर तुलना की जाती है या बड़ा बताया जाता है, तो उसमें ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है, उसके बताया गया है ईर्ष्यालु। ठीक है, इस प्रकार से अनमोल, कोई वस्तु कीमती होती है ना, तो उसके लिए बताया जाता है कि ये बहुत अनमोल है। इस प्रकार से आपको ये शब्द याद करने हैं। ठीक है, देखिए इसका संदेश देखते हैं हम। शिक्षण संकेत। शिक्षण बंधु तेनालीराम की चरित्र एवं गुणों के बारे में छात्रों को विस्तार से बताइए। तेनालीराम कौन था और उसका स्वभाव कैसा था, सब जानते हो तेनालीराम के बारे में। वह चतुर व्यक्ति था, जब भी वह कोई कार्य करता था, जब भी राजा से कोई गलती हो जाती थी, जब राजा को पता नहीं रहता था कि आगे हमें करना क्या है, तब तेनालीराम ही ऐसा व्यक्ति था जो उन्हें सुझाव दिया करता था और उनको मुसीबत से बाहर निकाला करता था। तो इस प्रकार से तेनालीराम के बारे में बताया गया है। आगे इसमें इस कहानी में भी तेनालीराम के बारे में बताया गया कि तेनालीराम ने किस प्रकार से राजा की मदद की, राजा को मुसीबत से निकाला और राजा को किसी बात के ये राय दे रहा है। तो ठीक है, इस प्रकार से आपको ये कंप्लीट करना है। लेसन की बात हम कल करेंगे।